हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजेक्शन इंटाबीटा एच के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को लगाने की डोज क्या है। तो इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंजेक्शन इंटाबीटा एच इंटास कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सबसे पहले दोस्तों बात अगर हम इस इंजेक्शन के साल्ट की करें तो इस इंजेक्शन में विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और बायोटिन इसमें डाला गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पशु में एनी स्ट्रेस की समस्या है कि पशु हीट में नहीं आ रहा है या पशु प्रॉपर तरीके से हीट में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप इंटाबीटा एच इंजेक्शन पशु में लगा सकते हैं। दोस्तों, इंटाबीटा एच इंजेक्शन पशु में फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है जिसकी वजह से पशु प्रॉपर तरीके से हीट में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पशु में बेटर फेटल ग्रोथ में भी जब पशु कंसीव कर जाता है तो पशु के पेट में बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो उस कंडीशन में भी दोस्तों ये इंजेक्शन बहुत हेल्पफुल है और बहुत काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, पशु की अडल्ट डेवलपमेंट में ये इंजेक्शन बहुत हेल्प करता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके टीट से ऑटोमेटिकली ही दूध निकलने लग जाता है। तो अगर उस तरह की कंडीशन अगर आपको पशु में मिल रही है कि पशु का दूध ऑटोमेटिकली ही निकल रहा है तो उस कंडीशन में आप इंटाबीटा एच का इंजेक्शन पशु में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हीफर पशुओं में बहुत ज्यादा इस इंजेक्शन का यूज अडल्ट डेवलपमेंट में किया जाता है क्योंकि हीफर पशुओं में कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत ये आती है दोस्तों कि लास्ट ट्राइमेस्टर तक पहुंचने पर भी हीफर पशुओं की अडल्ट की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पशुओं में खुर की समस्याओं से निपटने के लिए भी हम इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि पशुओं के खुर छिलना शुरू हो जाते हैं, उनमें क्रैंक पड़ जाते हैं और बरसात के मौसम में तो क्रैंक पड़ने की वजह से कीड़े पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है पशु में। तो अगर उस तरह का केस आपको मिलता है तो वहां भी आप इंटाबीटा एच इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार कुत्तों के पंजों में घाव बन जाते हैं जिसकी वजह से कुत्ते अच्छे तरीके से चल नहीं पाते, तो अगर उस तरह की कंडीशन आपको मिलती है तब भी आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। कई बार दोस्तों, पशुओं में ये दिक्कत आती है कि पशु के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते जिस वजह से ना तो पशु में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अच्छे से हो पाती है और ना ही पशु कंसीव कर पाता है। तो उस तरह का अगर केस आपको मिलता है दोस्तों तो वहां भी आप इंटाबीटा एच इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इंटाबीटा एच इंजेक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कई बार दोस्तों, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से पशु का जो स्किन कोट है वो रफली हो जाता है। अगर पशु ऐसा केस आपको मिलता है कि पशु का स्किन कोट बहुत ज्यादा रफली हो गया है तो उस कंडीशन में भी आप इंटाबीटा एच इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों, इंटाबीटा एच इंजेक्शन का यूज पशुओं में हमेशा इंट्रामस्कुलर ही किया जाता है। अगर हम इस इंजेक्शन की डोज की अगर बात करें तो 300 kg बॉडी वेट के ऊपर आप 5 ml इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो छोटे जानवर हैं उनमें 0.5 ml से लेके 1 ml तक उनमें इस इंजेक्शन का यूज आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।